द न्यूज टॉक, मैं हूँ सुरभि। चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी खबर। जी हाँ, समुद्र तल में गर्मी बढ़ने से मानसून का बदल गया है मिजाज। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बारिश और आंधी का असर हो गया है। बढ़ती गर्मी की वजह से मानसून देरी से आएगा, साथ ही बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। इसकी वजह से समुद्र तल पर गर्मी का बढ़ना बताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम की जानकारी के हिसाब से 20 मई से मानसून की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक 20 जून तक ही मानसून आने की संभावना है, जबकि मानसून आने का निर्धारित समय 15 जून का माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई से अंडमान निकोबार से होता हुआ चलता है मानसून और धीरे धीरे 1 जून को केरल तक आ जाता है। धीरे धीरे 15 जून तक स्थिति बढ़ते हुए कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड होते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन बारिश 99% की बजाय इस बार 93 से 95% होने की बात कही जा रही है। पिछली बार भी बारिश 100% नहीं हुई थी। 100% बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 93 से 95% ही बारिश मानी जाएगी। जी हाँ, इस तरह बढ़ता है। 1 जून से केरल से होकर मानसून आगे बढ़ता है। 5 जून तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों से होता हुआ शिलांग, इम्फाल और दिसपुर तक पहुँच जाता है ये मानसून। 10 जून को मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है मानसून और 15 जून को मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, बुंदेलखंड, भोपाल, इंदौर की तरफ चलता है मानसून। जी हाँ, और फिर वर्षा होती है। 1 जुलाई दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक आता है और 15 जुलाई पंजाब और हरियाणा के हिस्से में मानसून पहुँचता है। कानपुर में भी सामान्य बारिश मानी जा रही होगी। जी हाँ, तो समुद्र में उठा है गर्मी का तूफान और इस वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना, आंधी चलने की संभावना मानी जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।